अस्सलाम वालेकुम, लाइव रुक्स में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो माशाल्लाह ताला मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश बहुत ही अच्छे से हो रही है। बारिश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ हमें बताई है, आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा तय्यबन नाफिया, अल्लाह पाक हमें फ़ायदे वाली बारिश अता कीजिए जिससे कोई नुकसान ना हो किसी को। और इतने अच्छे खूबसूरत हसीन मौसम में, ठंडे ठंडे कूल कूल मौसम में, कुछ हॉट हॉट खाने को दिल कर रहा है, कुछ गर्मा गर्म आग लगाने वाली ऐसी भी। क्या बनाते हैं? चिकन अंगार कैसा रहेगा? चलिए बनाते हैं चिकन अंगार। चिकन अंगारा बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो चिकन। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। इसे मैंने स्ट्रेनर में रखा है ताकि एक्सेस वाटर जो भी है वो फटाफट बाहर निकल जाए। अब एक बाउल में चिकन को ले लेंगे और सारे मसाले डाल देंगे। ये कोयला है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, याद रखिए। इसे अच्छे से देखो कितना क्लियर, कितना साफ धोया है मेरी रमशा ने, धोया है ये बहुत अच्छा धोया है। और इसे हम थोड़ा हवा में रख देंगे। अब ये चिकन के पास आते हैं, चिकन में डालेंगे एक नींबू का रस। मैरिनेशन कर रहे हैं हम लोग ये, ताकि अच्छा मसालेदार हमारा चिकन अंगारा बने। एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक बड़ा चम्मच लीजिए। ये क्रश धनिया है एक चम्मच, गरम मसाला पाव चम्मच, हरा मसाला, कोथमीर हरी मिर्ची का पेस्ट चाहिए, और पुदीना एक बड़ा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक फुल चम्मच भर के, ये नमक है जाड़ा नमक यूज़ किया है मैंने एक चम्मच, एक टोमेटो बारीक काट के ये भी इसी में डाल दीजिए। मज़ेदार बनता है ये अंगारा। और एक फुल कप भर कर दही, ये घर में ही मैंने दही जमाई हुई थी वही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। वाह, एक चम्मच हल्दी। ये कोयले को हमने थोड़ा गैस पे रख लिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और ये रमशा मिक्स कर रही है। छुट्टी के दिन अक्सर बच्चे मेरी हेल्प कर लेते हैं, आप भी अपने बच्चों के साथ मिलके बनाइए, बड़ी मज़े की बनती है डिशेस और उनको भी बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए मैरिनेशन हमारा हो चुका है, मिक्स कर दिया है हमने। अब हम इसे रख देंगे। और ये कोयला भी हो चुका है तकरीबन अच्छा लाल कर लीजिए कोयला, ताकि अच्छे से उसका धुआं ज़्यादा से ज़्यादा निकले। ये देखिए कटोरी मैंने बीच में रख दी है और कोयला उसके ऊपर रख के थोड़ा घी डाल दिया है, ताकि देखिए कितनी मज़े की आग निकली है। जल्दी से कवर कर दीजिए ताकि जो भी भाप है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब एक दो घंटा बस भूल जाइए इसे। और ये एक चम्मच मस्का बटर और दो चम्मच असली घी। वाह, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये एक प्याज हम लेंगे, बड़ी प्याज मैंने ली है, आपके पास अगर छोटी प्याज हो तो दो ले लीजिए। ये गरम मसाला पाव चम्मच, हमने चिकन में भी डाला है ऑलरेडी पाव चम्मच, इसीलिए इसमें भी हम ज़्यादा नहीं पाव चम्मच ही डालेंगे। दालचीनी, थोड़े अच्छे मसाले भी मिलाएंगे ताकि साबुत मसाले का बहुत अच्छा आता है जायका। ये ज़ीरा है एक चम्मच, बड़ी इलायची एक, मिक्स कर लीजिए अच्छे से इसे। प्याज साथ ही साथ लाल भी हो रही है, तीन लौंग, दो तेज पत्ते, साथ ही साथ प्याज को भी आप भूनते जाइए। देखो हो चुकी है प्याज। ओहो, काजू को बीच से कट करके लीजिए, 8-10 काजू मैंने लिए हैं
और ये बादाम थोड़ा रिच बन जाएगी हमारी जो डिश, ये सब चीज़ें हम डालेंगे तो। और ये आ रहा है स्पेशल ब्लैक मुनक्का, वाह इतना अच्छा लगता है ये जब ये चिकन के साथ में, इसकी ग्रेवी के साथ में मुंह में जाता है तो जो मीठा फ्लेवर आता है टेस्ट टेस्ट के साथ में, जो हल्का सा मीठा आ जाता है, ज़बरदस्त बहुत मज़े का लगता है। ये डालिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी। और ये चिकन अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले में, 2 घंटे रखा था हमने इसे। और जो कोयले का जो प्रोसेस है वो धुएँ का, आप चाहे तो 2 से 3 बार उसको बीच बीच में दोहरा भी सकते हैं ताकि और अच्छे से अच्छे जो स्मोक है वो एब्जॉर्ब हो जाए चिकन के अंदर। देखो अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए, अभी थोड़ा भून लीजिए। वाह वाह वाह, चिकन तो लोट पोट हो चुकी है मसालों में, मुनक्कों में, वाह वाह वाह, मज़े है चिकन के तो। ये देखो एक और बार हम कोयले का इसी तरीके से बघार देंगे लास्ट में जब अच्छे से मसाला भून जाए। तो ऐसी ही कटोरी मैंने रखी है, उस पर कोयला रख दिया है गर्म। ओहो हो, घी का तड़का, हाँ क्या आग निकल रही, वाह। देखो बंद कर दीजिए इसे, ढक्कन लगा दीजिए, दिख रहा है आपको भाग कितनी अच्छे से निकल रही है, वाह वाह वाह। और अंदर ही सब अभी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए 10 मिनट के बाद हम जब ढक्कन हटाएंगे, देखिए कितना अच्छा भुने गया है ये और कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है कोयले की, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप यकीन मानिए। इंशाल्लाह ताला आप बनाइए इसे, आप याद करोगे मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है ये, एकदम ढाबे स्टाइल का है ये। थोड़ा कोतमीर से इसे डेकोरेट कर दीजिए आप, थोड़ा सजा दीजिए, सवार दीजिए आपके चिकन अंगारा को, और सच में ये अंगार लगा देगा, ऐसी डिश है, आप ढाबे का चिकन अंगारा भूल जाओगे इंशाल्लाह। खुश रहिए। और इसे मैंने ज़ीरा राइस बनाया इसके साथ में, आप नान के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। खुशी से बनाइए, खुशी से खिलाइए। इसी तरह और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाने से आपको हमारे वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने